आप जाने जाते हो? लेक्चर एक घंटा हो रहे। ओ यस, ध्यान यहाँ पे सुनेंगे। एक दिन तो जाना ही। रे देखो भी यहाँ पे, चलो क्वेश्चन देखो। ओके ध्यान दो रे। इनवोल्यूट, ओके इनवोल्यूट के पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चार कर्व है, सारे फुद्दू कर्व है। इनवोल्यूट कैसा रहता है? एक अगर सिलेंडर है, सिलेंडर पर अगर धागा लपेटा हुआ है, तो धागा को जब आप लपेटते हो तो उसको उसका मान लो, इमेजिन कर लो सिलेंडर पे एक चक्कर धागा लपेटा हुआ है, उस धागे के कोने को पकड़ा आपने और धागा हमेशा टाइट रहना चाहिए और उसको आप अनवाइंड करेंगे। तो जब उसको अनवाइंड करते हैं तो उसका जो एंड जो है, एंड टिप जो है, जो एक कर्व ट्रेस करता है, उसको इनवोल्यूट कहते हैं। ओके उसको इनवोल्यूट कहते हैं। ड्रॉ इनवोल्यूट सर्कल। स्ट्रिंग लेंथ दिया, देखो स्ट्रिंग दिया यहां पे, रस्सी धागा। स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एक सिलेंडर है, उस पर एक चक्कर रस्सी बांधा है, उस रस्सी को खोलना है और उसका रस्सी का जो एंड ट्रेस करेगा कर्व वो बनाना है अपने को, वरना तो सिंपलेस्ट कर्व होता है। सर्कल मारो, सर्कल को डिवाइड कर डालो, सर्कमफेरेंस का लेंथ बना डालो, सर्कमफेरेंस के लेंथ को डिवाइड कर डालो। जा रहा दिमाग में? सर्कल मारो, सर्कल को डिवाइड कर डालो, बॉटम से सर्कमफेरेंस मारो, सर्कमफेरेंस को डिवाइड कर डालो और फिर आर्क मारना शुरू किया जाता है। और आर्क मारा जाता है टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट बनता है हर डिवीजन से। चेक करेंगे कैसे। ओके देखो यहां पे सर्कल, सर्कल को किया 8 डिवीजन में डिवाइड, 12 किया तो अच्छा होता है, 8 करना है, 8 करो। ओके 8 डिवीजन में डिवाइड, उसके 8 डिवीजन के बाद में ध्यान दो, मैं जीरो से शुरू करता हूं, इन्होंने जीरो स्किप करके वापस से जीरो गैप कर दिया है, तो 8 है नीचे, अपना 8 भी उधर ही आता बाय द वे, अगर 8 बनाते हो, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 याद आया? ओके और नीचे 8 पे से ही सर्कमफेरेंस का लाइन मारेंगे, 8 पे से ही सर्कमफेरेंस का लाइन मारेंगे। सर्कमफेरेंस को भी उतने ही डिवीजन में डिवाइड कर देंगे जितने डिवीजन में सर्कल को डिवाइड किया था, करेक्ट है। सर्कमफेरेंस को भी हमने डिवाइड कर दिया इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय 8, सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय 8। ओके सर्कमफेरेंस इज पाई डी, 2 पाई आर। ओके इजी था, नेमिंग कर डालो। अभी हर डिवीजन से टेंजेंट मारो, हर डिवीजन से टेंजेंट मारो, हर डिवीजन से टेंजेंट मारो। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। नहीं समझ में आया टेंजेंट कैसे मारना है? जो डिवीजन है सर्कल का उसको परपेंडिकुलर मारो, जो डिवीजन है, ये देखो ये डिवीजन को परपेंडिकुलर, ये डिवीजन को परपेंडिकुलर, एंड ये ग्रेजुअली कम कम होता जा रहा है लेंथ में, देख लो ग्रेजुअली लेंथ में कम कम करता जा रहा हूं मैं स्मार्टली, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है कि कितना कर्व कैसा बनेगा। ग्रेजुअली कम कम करता चला गया, फिर कंपास में आर्क लेना है। कंपास में आर्क पैसे कैसे लेना है? देखो यहां पे आपको कंपास में जो आर्क लेना है, प्लीज सुनो, ये जीरो है या एट है समझ लो, एट का पी, एट का जो पी है वो ऑलरेडी इधर बना है तो उसके बारे में नहीं सोचना है, पी तक का रेडियस लेना है हमेशा। वन से पी का डिस्टेंस लोगे तो वन से वन पे मारोगे, टू से पी का डिस्टेंस लोगे तो टू से पी मारोगे, थ्री से पी का डिस्टेंस लोगे तो थ्री से पी मारोगे, फोर से डिस्टेंस लोगे तो फोर, समझ में आ रहा है? जो नंबर का रेडियस लेंगे वो नंबर का आर्क मारेंगे, बराबर। ओके देखो 1 to P, 2 to P, पटा, समझ में आ गया। एंड वंस यू गेट ऑल दिस पॉइंट्स, ज्वाइन देम बाय अ स्मूथ कर्व एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एज इनवोल्यूट। एट ए टाइम 3 पॉइंट ज्वाइन किया, देखो हर बार 3-3 पॉइंट ज्वाइन करता हूं मैं, 3 पॉइंट स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे तो ही अच्छा बनता है। जो लोग फ्रेंच कर्व यूज करेंगे हमेशा याद रखना 3 पॉइंट एट ए टाइम ज्वाइन करना है, इसी था ये। अब इसमें 2 ट्विस्ट आते हैं, कौन बताएगा? मोर देन सर्कमफेरेंस, लेस देन सर्कमफेरेंस, अलग अलग शब्द, मोर देन सर्कमफेरेंस एंड लेस देन सर्कमफेरेंस। सो नेक्स्ट केस ले लो, मोर देन पाई डी, मोर देन पाई डी मतलब धागा इज मोर देन पाई डी,
धागा इज लॉन्गर देन सर्कमफेरेंस, खाली डिवीजन पे स्मार्ट करना है, सर्कल का बारे में सोचना ही नहीं है, सर्कल तक तो टेंशन ही नहीं रहता है, सोचने की जो बातें रहती है बच्चों, सोचने की जो बातें रहती है वो खाली सर्कमफेरेंस पे रहती है। ये देखो ये डिवीजन हो गया, अब इसके बाद में आपको सेम सर्कमफेरेंस वाला जो लाइन था वो उतना बनाना है जितना दिया है इन्होंने, मोर देन पाई डी बोला तो मोर देन पाई डी बना दो, सिंपल है। ओके ये देखो मोर देन पाई डी बना दिया मैंने 165 विच इज मोर देन पाई डी, लेट अस से पिछले केस से इट इज मोर देन पाई डी। इसको डिवाइड करते वक्त स्मार्टली डिवाइड करना है, ऑलवेज डिवाइड द पाई डी, इक्वल डिविजन शुड बी डन ऑफ पाई डी ओनली, मतलब यहां पे ये 165 है लेकिन आपको पाई डी का पॉइंट भी प्लॉट करना है। क्या डियर पिछले क्वेश्चन में डी दिया रहेगा ना, हाँ लेटेस्ट है ना, कोई दिक्कत है देख लो ना, आई थिंक नहीं दिए कोई बात नहीं, समझ लो कि 160 फॉरगेट अबाउट इट, 160 है कि नहीं है, 165 है क्या है फर्क नहीं पड़ता है, मोर देन पाई डी इतना समझ में आए आपके पास में, मान लो पाई डी 160 है, मान लो पाई डी 160 है, 160 जो पाई डी रहेगा उसको करो 8 से डिवाइड तो जो डिस्टेंस आएगा। ओके देखो आगे ये आ गया 165, अब आप क्या करो, ये देखो पाई डी, ये देखो पाई डी, अब ये पाई डी आपको डिवाइड करना है इनटू 8 पार्ट्स, दिखा मतलब इनफैक्ट फ्लो में रहना है, इधर लिखने की जरूरत नहीं पाई डी, यू नो व्हाट पाई डी वुड बी फॉर योर क्वेश्चन, उस पाई डी को कंपास से कैलकुलेटर से डिवाइड करो बाय 8, जो भी आएगा कंपास से खटैक 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 करते चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, करते चले जाओ जब तक वो बाहर ना जाए, बाहर जाने तक करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। अब उसमें 8 काउंट कर लेना, 0 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8, there can be 9 there can be 10, ओके तो 8 तक मारने का और उसके बाद में सक्सेसिवली मारने का, अगर वहां पे 9 होता तो मैं यहां पे 1 के साथ 9 भी लिखता, इस केस में 8 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन अगर यहां पे 9 होता 10 होता 11 होता तो जितना नंबर यहां बढ़ेगा उतना नंबर इसी पे लिखते चले आना है, अगर यहां पे 9 10 11 12 होगा तो यहां पे 9 10 11 12 यहां इसी पे लिखना है, डिवीजन एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, समझा है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। 1 2 P 1 2 P 2 2 P गलतियां चेक करो, आप गलती क्या करोगे, क्या आप वो सोचोगे, क्या आप वो सोचोगे, ध्यान देना मेरी बात पे, 1 2 P है, नंबरिंग बहुत क्रूशियल है, यहां पे कहां से किया हुआ है, 1 2 P लिया, लास्ट पॉइंट लिया है और वो 1 पे रखे आर्क मारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूं, गलती करोगे इसमें, देखो 7 के बाद 8 ही आएगा ना, और अगर 9 होता तो 9 पे भी मारता मैं डिवीजन, 10 होता तो मैं 10 पे भी मारता डिवीजन, समझा है, जितने नंबर उतने पे डिवीजन आना चाहिए, ये देखो 8 नंबर आया ना तो 8 पे डिवीजन आया है, कितना डिस्टेंस है, इतू सा डिस्टेंस है वो, ये इतू सा डिस्टेंस है वो, समझ में आया क्या, ये इतू सा डिस्टेंस मैंने यहां पे आर्क मारा है, नाउ ज्वाइन देम बाय स्मूथ कर्व, बट ये पी पॉइंट कहां पे आएगा, 1 और 8 के बीच में आएगा, सिंपल सी बात है, इसके आगे ही कहीं तो जाएगा, ओके 1 और 8 के बीच में आएगा, समझा गया, क्या बोला मैंने सभी को, ओके ठीक है, और उसको ज्वाइन करना बहुत सिंपल हो जाता है, आप इसको डायरेक्टली आर्क से ज्वाइन कर देंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझा। अरे भाई साहब मैं कह तो रहा हूं, ये अगर इतना लंबा होता तो यार ऐसे गोल के ऐसे भी गया रहता, मैंने क्लास में ऐसे यहां तक करवाया, जान दो, ओके समझ गया, मोर देन पाई डी लेस देन पाई डी,
देखो लेस देन पाईडी, ये 150 है लेस देन पाईडी, ये पाईडी, समझा? डिवीजन हमेशा किसका होगा? पाईडी। अरे स्मार्ट है आप, डिवीजन हमेशा पाईडी का होगा लेकिन नंबरिंग सिर्फ पी तक होगा। जे पा इजी था। समझा? 1p इस पे, 2p इस पे, 7 पे रुक गया क्योंकि 7 तक ही है ना पॉइंट, और उधर से डायरेक्ट आर्क ज्वाइन कर देना है। ये देखो खत्म हो गया, गेम इज ओवर। इनवोल्यूट सीख लिया तुम लोगों ने, इनवोल्यूट भी हो गया, करेक्ट है, इनवोल्यूट भी हो गया, इजी था इनवोल्यूट। सबसे फुद्दू है साइक्लोइड, साइक्लोइड सबसे फुद्दू है, ठीक है। सबसे टाइम कंज्यूमिंग हेलिक्स था कौन वाला, कौन का हेलिक्स टाइम कंज्यूमिंग था? सर सिलेंडर का नहीं, याद है? वेरी गुड डियर, वेरी गुड, वेरी गुड। साइक्लोइड क्या होता है? जब किसी सिलेंडर के पेरीफेरी पे कोई पॉइंट होता है और सिलेंडर अगर रोलिंग मोशन करता है, परफेक्ट रोलिंग मोशन करता है, तो जो पॉइंट है वो क्या कर ट्रेस करेगा? साइक्लोइड। क्वेश्चन बड़ा आपने, क्वेश्चन बड़ा आपने, ये लास्ट लेते हैं। हाँ अच्छे से फोकस हो, अभी रीड के डी सीधी हुई ना, अभी अच्छे से फोकस करो लोगे, अरे मजा आ गया। हाँ चलो ठीक है, ओके ध्यान दें पे पतलो, कोई बात नहीं, मैं बचे हुए दो कल ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि औरतों को उतना टाइम नहीं लेगा क्योंकि इसमें टाइप्स बहुत है ना। और अगर कोई सोच रहा है कि मैं हर कर्व क्लास में बना के प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप बैठ नहीं सकते हो, मैं बोल सकता हूं तुम बैठ नहीं सकते हो, इतने सारे टाइप्स हैं। इसका बेस्ट तरीका ये एनिमेशन ही होता है। जब कोई सिलेंडर ऐसे गोल घूमता है, मतलब कोई टायर है, टायर पे एक टायर पे पीला कलर से डॉट मार दो और फिर वो टायर को ऐसे गोल घुमाओ, तो जो पीला कलर जैसा दिखाई देगा ना, उस पाथ को कहते हैं साइक्लोइड। समझा साइक्लोइड क्या होता है? इनवोल्यूट समझा था, सिलेंडर मतलब एक 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 एक, एक मांजा, मांजा समझते हैं, पतंग, पतंग वाला मांजा, मांजे फिरकी पे मांजा बांधा हुआ है, और वो जो मांजा है मांजे को अगर खोलना शुरू करो टाइट, या फिर धागे के पिंडी बोलते हैं जिसको, धागे के पिंडी को अगर खोलना शुरू करो, धागा टाइट होना चाहिए एकदम, तो उसको खोलते वक्त, उसको खोलते वक्त उसका जो टिप रहेगा, वो टिप जो कर्व ट्रेस करता है, उसको कहते हैं इनवोल्यूट। ओके उस टिप को कहते हैं इनवोल्यूट। एक बार पीछे खाली देख लो, ये देखो ये वो धागा है, धागा यहां से देखो, ये धागे को खोलना शुरू किया मैंने, ये धागा है बच्चों, ये धागा है, बस धागे को खोलना शुरू किया और ये बन गया आपका इनवोल्यूट। इजी, ओके आ जाओ साइक्लोइड बनाएंगे, बहुत ही बच्चों वाला है। सर्कल, सर्कल को डिवाइड करेंगे, यहां पे एक रेक्टेंगल ट्रेस करेंगे उसके मिड पॉइंट से, जितना इसमें डिवीजन उतना सेंटर का डिवीजन, ध्यान देंगे। लास्ट पार्ट है, ठीक है, आठ, आठ डिवीजन हो गया, जैसा रोलिंग वैसा नंबरिंग, जैसा रोलिंग वैसा नंबरिंग, क्लॉकवाइज रोल कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज नंबर करेंगे, आंटी घूम रहा तो आंटी नंबर करेंगे, सेंटर को डिवाइड उतना इच बराबर, एक चक्कर में पाईडी घूमेगा, एक चक्कर में पाईडी घूमेगा, तो एक चक्कर की बात हो रही है, ओके उसको सेंटर को भी उतने डिवीजन में डिवाइड किया जितना सर्कल को किया था, आठ डिवीजन तो आठ डिवीजन, देख लो इजी है बराबर। अभी खाली पैरेलल लाइंस मार लेंगे, खाली पैरेलल लाइंस मार लेंगे, ठीक है, पैरेलल लाइंस मार लिए, पैरेलल लाइन मारने के बाद में अभी आर्क खेलना है, खाली आर्क, आर्क क्या होता है देखो, ये कंपास में फिक्स कर लेना है डिस्टेंस,
रेडियस कंपास में फिक्स कर लेना है, और फिर दनादन सी वन से वन पे, सी टू से टू पे, सी थ्री से थ्री पे, सी फोर से फोर पे, सी फाइव से फाइव पे, सी सिक्स से सिक्स पे, सी सेवन से सेवन पे, एट से डाउन पे। देख लो, ये देखो पहला लाइन आर्क मारा हुआ लाइन दिखा दिया, दूसरा लाइन तो दिखेगा नहीं इसलिए दिखाया नहीं, सी टू वाला दिखेगा नहीं ना, ये सी थ्री वाला, ये सी फोर वाला, सी फाइव वाला, सी सिक्स दिखेगा नहीं, तो सी सेवन वाला। समझ में आया है? अब हम लोग सारे पॉइंट्स बना देंगे, एक दो, ये जीरो था, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओवर। इसमें खाली गलती क्या होती है, देखो पॉइंट बॉटम से शुरू हुआ है, पॉइंट जहां से शुरू हुआ वहां से नंबरिंग होगा, बॉटम से शुरू हुआ बॉटम से नंबरिंग करो, उसको जीरो पोजीशन लेने का हमेशा। जहां पे पी अगर ऊपर होता तो पी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, समझा? जहां पॉइंट है तुमने टायर पे किधर मार्किंग किया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तंग कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बना रहे तो पॉइंट का पोजीशन ध्यान देना, कुछ नहीं बोला तो ऐसे बन जाएगा। बॉटम पे है तो यहां पे, इधर है तो यहां पे, पी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहां पर है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और फिर जहां से जो लाइन निकलेगा वो उसका नंबर रहेगा। ये देखो ये वन से निकला इसलिए वन का लाइन है, सेवन का लाइन है, ये टू सिक्स से निकला तो टू सिक्स का लाइन है, ये थ्री फाइव का लाइन है, ये सिक्स का लाइन है, ये फोर का लाइन है। यहां पे नंबरिंग हमेशा यही रहेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर जहां पर भी वन रहेगा वन ढूंढना है, अगर वन यहां है तो पहले पाओ इधर वन आएगा, वन इधर है तो पहले ये देखो बच्चों इधर से शुरू हो तो जीरो, यहां पे ये वन है तो यहां पर वन आएगा, फिर ये टू है तो यहां पर टू आएगा, ये थ्री है तो यहां पर थ्री आएगा। समझ में आ रही बातें? सीक्वेंस में टप्पा फील करना है, टप्पा फील करना है, टप्पा फील करना है, टप्पे की तरह जाता है, जैसे टप्पे की तरह जाएगा ये टप्पा कंटिन्यूस होता जाएगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू टुमारो इन द इवनिंग। ओके, मैसेज डालता हूं टाइमिंग का, बट यस मोस्टली कल इवनिंग में रहेगा। जाते बाय बच्चों, बाय बाय बाय। मैथ्स का कुछ नहीं है कल? हाँ, तो शाम को मैं अपने हिसाब से रखूंगा। बाय।